बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिंक्रोनस काउंटर कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार हम करेंगे 4-बिट अप एंड डाउन काउंटर। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम अप एंड डाउन काउंटर स्टार्ट किए थे। यहाँ पर ही हम वही अप एंड डाउन काउंटर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। हम अप एंड डाउन काउंटर एक दफ़ा पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वो हम एनालिसिस के पार्ट को कंसिडर करके बनाया था। अब हम अप एंड डाउन काउंटर, वो जो हमने लास्ट टाइम, ये जो अप एंड डाउन काउंटर है, ये जो हमने लास्ट टाइम अप एंड डाउन काउंटर बनाया था, उनको कंबाइन करके बना रहे हैं। तो अगर आपको लास्ट टाइम अप एंड अप काउंटर में याद हो, तो अप काउंटर में बेसिकली क्या हो रहा था कि आपकी जो क्यू है वो नेक्स्ट वाले की इनपुट बन रही थी। इसी तरह ये जो आपकी क्यू है वो नेक्स्ट वाले की इनपुट बन रही थी। यहाँ पर आपकी क्यू नेक्स्ट वाले की इनपुट बन रही थी। यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली वही करें, लेकिन हमें एक कंट्रोल इनपुट चाहिए होगी, उसको हम साथ अकोमोडेट करेंगे। ये आपकी कंट्रोल इनपुट है। जब इसकी इनपुट के ऊपर 1 हो, इसका मतलब आप अप काउंट करना चाह रहे हैं। जब 0 हो, तो आप डाउन काउंट करना चाह रहे हैं। अब हम इसको प्रोसेस करके देखते हैं सर्किट को। ये हमारा 4-बिट अप एंड डाउन काउंटर है। ये फ्लॉइड का सर्किट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अप देखने, फॉर एग्जाम्पल मैंने अप पे 1 दिया हुआ है, तो अब होगा क्या, ये 1 यहाँ पर भी होगा, इस 1 का इन्वर्ट यहाँ पर क्या आएगा, 0। अब ये 0 क्या करेगा, इस एंड गेट को 0 कर देगा। अब ये एंड गेट 0 होते हुए क्या करेगा, ये यहाँ पे भी 0, इसको 0 कर देगा, ये वाला इसको 0 कर देगा। एंड गेट की एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाते। ये भी आउटपुट 0, ये भी आउटपुट 0, ये भी आउटपुट 0। और हमें पता है और गेट की एक इनपुट 0 हो जाए तो ये दूसरी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये वाले तीनों के तीनों और गेट अपनी दूसरी इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इस एंड गेट को देख लें, इस एंड गेट के ऊपर क्या आ रहा है, क्यू 0 आ रहा है। अगर अब फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 0 1 0 सेफ था न्यू क्लॉक से पहले, तो उस वक्त उस स्टेज में बाकी सर्किट कैसे रिएक्ट करेगा। ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनता है। तो 1010 का मतलब हो गया 0101, जो कि आपका 5 है। अब इस 0101 को नेक्स्ट क्लॉक से पहले देख लेते हैं, ये क्या करेगा कि ये 1 यहाँ पर आ रहा है, एंड गेट है, दोनों इनपुट्स 1 हैं, तो आउटपुट क्या आएगी, 1। यहाँ पर इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। अगर इधर देख लें, यहाँ पर इसकी आउटपुट उस वक्त यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर इनपुट से क्या आ रहा है, दोनों 1 हैं, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 0 और 1 आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 0 एंड 0। 0 एंड 0 का मतलब ओल्ड स्टेट मेंटेन करनी है। यहाँ पर देखिए इस एंड गेट की इनपुट के ऊपर क्या लगा हुआ है, 1, लेकिन यहाँ से पीछे से क्या आ रहा है, 0, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये 0 हो गया। ये क्या करेगा, ओल्ड स्टेट मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जे और के आपके क्या हो रहे हैं, 0 0। जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, तो जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, तो ये वाला जो 1 है, इसकी तो दोनों इनपुट्स कॉन्स्टेंटली 1 से कनेक्टेड हैं, तो ये तो फ्लिप करेगा, ये 1 से किसके ऊपर चला जाएगा, ये 1 से 0 के ऊपर चला जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट न्यू स्टेट क्या बनेगी, 0। तो जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला बिट है, वो टॉगल कर 1 से किसके ऊपर चला जाएगा, 0 के ऊपर। अब उसी वक्त यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, जब हमारी क्लॉक पल्स, क्योंकि क्लॉक पल्स इकट्ठी आ रही, ये सिंक्रोनस सर्किट है। अगर मैं फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की बात कर लूँ, तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की दोनों इनपुट्स के ऊपर 1 1 पड़ा हुआ है। जो ही क्लॉक पल्स आएगी, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, ये 0 से टॉगल कर कहाँ पर चला जाएगा, 1 के ऊपर। तो ये आपका लीस्ट था, ये उसके बाद वाली बिट है, तो ये वाली बिट क्या करेगी, 0 से 1 की तरफ चली जाएगी। ये अपनी ओल्ड स्टेट मेंटेन करेगा, तो 1 है, 1 ही रहेगा। अगला वाला भी अपनी ओल्ड स्टेट मेंटेन करेगा, क्योंकि दोनों इनपुट्स के ऊपर 0 है। तो अगर आप देखें, पहले 5 था, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे इसने क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, जब हमने यहाँ पर अप दिया हुआ था। अगर हम इसको डाउन करके देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 0 लगाया हुआ है, अब 0 का मतलब क्या, ये 0 है, यहाँ पर 0 का इन्वर्ट 1 चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आ रहा है, 0, एंड गेट है, एक एंड गेट की इनपुट भी 0 हो जाए तो उसकी आउटपुट क्या होगी, 0। ये इसको भी 0 कर देगा, ये इसको भी 0 कर देगा। ये 0 कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, ये और गेट भी 0, ये और गेट भी 0, ये और गेट भी 0। अब देख लें, ये आपके, अगर फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके फ्लिप फ्लॉप में 0 1 0 1 पड़ा हुआ है, उसी तरह ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। क्योंकि याद रखें, आपका लीस्ट वाला FF0 है, ये आपका लीस्ट है, ये आपका FF1 है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, कि मैंने FF2 है,
और ये आपका क्या है FF3 है। अब इसको देख लेते हैं अब ये कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे इसका इन्वर्ट आ गया। अब यहाँ पे देखें वन पड़ा हुआ है तो वन का इन्वर्ट क्या होता है जीरो आ रहा होगा। यहाँ पर एंड गेट है एक इनपुट भी जीरो हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी जीरो। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी दोनों इनपुट्स क्या हैं जीरो हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी जीरो। इसका मतलब जे भी जीरो के भी आपका क्या हो गया जीरो। जब जीरो जीरो हो अच्छा यहाँ पे जीरो है तो इसका इन्वर्ट क्या आएगा वन। ये वन है यहाँ से देखें लेकिन ये जीरो है ये जीरो इसको क्या कर देगा जीरो कर देगा। यहाँ पर क्या आएगा जीरो आएगा यहाँ पर क्या आएगा जीरो आएगा ये इसको जीरो कर देगा। ये दोनों इनपुट्स भी जीरो हो जाएंगी यहाँ पर ये जीरो बना देगा ये इनपुट भी जीरो हो जाएगी यहाँ पर भी क्या आएगा जीरो जीरो। जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये तो आपका टॉगल करेगा ये वाला टॉगल करके क्या हो जाएगा वन से ज़ीरो। इसका मतलब ये वाली जो बिट है ये टॉगल कर कर क्या हो गई वन से ज़ीरो। लेकिन ये वाली बिट क्या होगी ये टॉगल नहीं करेगी ये ज़ीरो ही रहेगी। ये वाली बिट आपकी टॉगल नहीं करेगी वन ही रहेगी क्योंकि दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो हैं। ये वाली बिट आपको टॉगल नहीं करेगी ज़ीरो ही रहेगी। तो ये देखें जब हमने डाउन को ज़ीरो किया तो ये डाउन काउंट कर रहा है। आपकी मॉरिस मोनो की बुक पे जो अप एंड डाउन काउंटर बना हुआ है वो ये वाला है। इसको जल्दी से ज़रा प्रोसेस कर लेते हैं। अब वो देखिए इस अप एंड डाउन काउंटर की कितनी इनपुट्स हैं दो इनपुट्स हैं तो जब दो इनपुट्स हो तो टोटल कम्बिनेशन कितनी बनेंगी चार कम्बिनेशन। तो अब हम इन चार कम्बिनेशन को ट्राई कर लेते हैं। ये हमारी चार कम्बिनेशन बन गई या तो अप एंड डाउन दोनों ज़ीरो होंगे या अप ज़ीरो होगा डाउन वन होगा अप वन होगा डाउन ज़ीरो होगा अप वन वन। यहाँ पे देख लें अगर हम अप को वन कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अप वन कंसिडर करने से होगा क्या कि अप को जब हम यहाँ वन करेंगे तो इस एंड गेट की इनपुट वन हो गई इस एंड गेट की इनपुट वन हो गई तो ये अब दूसरी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। अब हम देखते हैं इस दूसरी इनपुट के ऊपर क्या आ रहा है। उससे पहले साथ देखें जब यहाँ पे अप वन हो तो इस दूसरा जो एंड गेट लगा हुआ है इसकी इनपुट क्या आ रही है ज़ीरो आ रही है। अब एंड गेट है एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट इसकी क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। जब भी अप वन होगा डाउन की जो वैल्यू है वो मैटर नहीं कर रही होगी। अगर डाउन को आप ज़ीरो रखें तब भी मैटर नहीं करता क्योंकि इस ज़ीरो की वजह से ऑलरेडी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर आप डाउन को वन भी रखें तो मैटर नहीं करता क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिल रही है अप को। आप सिंपली ये समझ लें कि इस सर्किट में अप की प्रायोरिटी क्या है ज़्यादा है। जब अप ज़ीरो हो जाए तो फिर डाउन की कोई भी वैल्यू हो वो फ़र्क नहीं पड़ता डाउन आपका डोंट केयर बन जाता है। अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप है करंटली अपने अंदर ये स्टोर किया हुआ है ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो। इनिशियली आपके ये वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर ज़ीरो सेफ है तो ये आउटपुट पे क्लॉक आने से पहले ज़ीरो दे रहा है ये आपके आउटपुट पे वन दे रहा है ये आपके आउटपुट पे ज़ीरो दे रहा है और ये आपके आउटपुट पे क्या दे रहा है ज़ीरो दे रहा है क्लॉक आने से पहले की बात कर रहे हैं। अब देखें इस अप की वजह से और गेट इस और गेट की इनपुट वन है इसकी दूसरी इनपुट पे क्या पड़ा हुआ है ज़ीरो पड़ा हुआ है तो ये टी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट को क्या कर रहा है वन। अब दूसरी इनपुट को देखते हैं कि दूसरी इनपुट क्या करिए यहाँ से ये ज़ीरो यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। अगर आपसे इसको चले हम एज्यूम कर लेते हैं ये वन है चले इसको वन कर लेते हैं। अगर हम इसको वन कर लेते तो हमें यहाँ पे इसको भी वन करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। अगर इसको वन करें तो यहाँ पे आउटपुट पे भी क्या पड़ा हुआ है वन पड़ा हुआ है ये वन ट्रैवल कर कर यहाँ पर आ रहा है तो ये एंड गेट है इसकी दोनों इनपुट्स वन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन आ गया। अब यहाँ से इसके पास देखें ये एंड गेट है इसकी ये इनपुट ज़ीरो हो गई तो ये भी ज़ीरो हो गया इसकी वजह से ये भी ज़ीरो हो गया इसकी वजह से ये भी ज़ीरो हो गया। अब ये एंड गेट यहाँ पे कनेक्ट है तो ये इसने इस और को भी ज़ीरो कर दिया यहाँ से इस और की इनपुट भी ज़ीरो हो गई यहाँ से इस और की इनपुट भी ज़ीरो हो गई। अब इस और गेट को देखें तो इसकी एक इनपुट पे वन है एक इनपुट पे क्या पड़ा हुआ है ज़ीरो तो यहाँ पर आउटपुट पे क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी आउटपुट पे आ जाएगा वन यहाँ पे इसकी आउटपुट पे क्या आ जाएगा वन। अब देखें ये जो वन है ये यहाँ पर जा रहा है इस वन का इन्वर्ट ज़ीरो यहाँ पर जा रहा है फ़र्क नहीं पड़ता ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है। हम इसी एंड गेट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे ये एंड गेट की इनपुट वन है ऊपर से यहाँ पर भी इसकी दोनों इनपुट्स वन थी यहाँ पर भी वन आ रहा है एंड गेट है दोनों इनपुट्स वन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा वन।
अब इसको देख लें, इसकी आउटपुट ज़ीरो है, ये ज़ीरो यहाँ पर चला गया। अगर इसके एंड गेट की इनपुट को हम यहाँ पर ले भी आएँ तो ये वन है, तो इसकी ओवरऑल आउटपुट यहाँ पर ज़ीरो आएगी और इधर से यहाँ पर क्या मिलेगा, ज़ीरो। अब जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, अब ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स पे काम करते, तो जो ये क्लॉक की ट्रांजेक्शन होगी ज़ीरो से वन, अब हमने देख लेना हमारा फ्लिप फ्लॉप करेगी क्या। इसकी इनपुट पे भी वन पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी वन पड़ा हुआ है, ये टॉगल कर कर कहाँ पे चला जाएगा, ज़ीरो पे। ये फ्लिप फ्लॉप इसकी इनपुट पे वन पड़ा हुआ है, अंदर भी वन है, फिर ये टॉगल करेगा, ये भी कहाँ पे चला जाएगा, ज़ीरो पे। ये वाला भी फ्लिप फ्लॉप है, इसकी फ्लिप फ्लॉप अपने अंदर करंट स्टेट पे ज़ीरो है और इसकी इनपुट के ऊपर क्या लग रहा है, वन लग रहा है। जब भी फ्लिप फ्लॉप उसकी इनपुट टी फ्लिप फ्लॉप हो, उसकी इनपुट पे वन हो, तो वो क्या करता है, टॉगल करता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप भी आपका क्या कर जाएगा, वन कर जाएगा। अब ये वन देखिए आपका ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसको ज़ीरो कर रहा है। प्रेजेंट स्टेट में ये वाला फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट में ज़ीरो है, इनपुट के ऊपर ज़ीरो है, तो आउटपुट क्या करेगा, ओल्ड स्टेट मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वन टॉगल कर रहा है ज़ीरो के ऊपर, ये वन टॉगल कर रहा है ज़ीरो के ऊपर, ये ज़ीरो भी टॉगल कर रहा है वन के ऊपर, और ये ज़ीरो एज इट इज़ रह रहा है। तो आप देखें थ्री के बाद नेक्स्ट स्टेट आपके पास क्या बनती है, फोर। तो जब भी आप अप के ऊपर वन देंगे तो ये वाला काउंटर क्या करेगा, अप काउंट करेगा, उस केस में आपकी जो डाउन है वो आपकी डोंट केयर कंडीशन में चले जाती है। अब अगर हम इसको फिल करना चाहें, तो जब भी आपका ये फोर बिट काउंटर है, आपने अप को वन दिया, डाउन डोंट केयर कंडीशन हो गया, आपका सिस्टम क्या करेगा, अप काउंट करेगा। आप फ्लिप फ्लॉप के अंदर कोई भी वैल्यू सेव करके देख ले। अब हम ये वैल्यू स्ट्राइक कर लेते हैं, क्या हो कि अगर हम अप को ज़ीरो करें और डाउन को वन कर दें, अप्लाई कर लेते हैं, अब हमारा ज़ीरो हो गया, डाउन वन हो गया। पहले हम आपको प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो है तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गया, एंड गेट दोनों इनपुट्स वन हो गई, इसको वन कर लेते हैं, इसकी वजह से ये वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वन आ गया तो ये दूसरी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है कि दूसरी इनपुट के ऊपर क्या आ रहा है। इसको देखिए पहले आपको ये ज़ीरो को देख लेते हैं, ये ज़ीरो यहाँ पर जा रहा है तो इस और गेट की एक इनपुट ज़ीरो है, दूसरी इनपुट के ऊपर वन आ रहा है, ठीक है। ये इस एंड गेट के ऊपर जा रहे, तो एंड गेट है, एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये आउटपुट और गेट की भी एक इनपुट ज़ीरो हो गई। इसी तरह ये इस एंड गेट को भी ज़ीरो कर देगा, जिसकी वजह से ये और गेट की एक इनपुट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह ये एंड गेट भी ज़ीरो हो जाएगा, इसी वजह से इसी तरह एक इस और गेट की इनपुट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर हम उसी तरह ले लेते हैं कि यहाँ पर वन सेव है, यहाँ पर वन सेव है, चलें यहाँ पर भी वन सेव है, यहाँ पर भी वन सेव है, तो इस वक्त आपकी करंट स्टेट क्या है, वन 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 वन। अब स्टेट क्या बना, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन है, तो इधर क्या आ जाएगा, वन। अभी प्रेजेंट स्टेट वन है, ठीक है, आपकी प्रेजेंट स्टेट वन है। जो ही इनपुट के ऊपर क्लॉक पल्स आएगी तो ये वन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वन टॉगल करेगा और ये वन कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ज़ीरो में, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, वन। लेकिन क्लॉक पल्स आने से पहले यहाँ पर जब वन पड़ा तो यहाँ पर क्या आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था। इस ज़ीरो को मैं यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये एंड गेट ज़ीरो हो गया, एंड गेट है, एक इनपुट भी ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर देखें और गेट है, दोनों इनपुट ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये क्या करेगा, अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। इसी तरह जब क्लॉक पल्स आई है तो यहाँ पर उसके आने से पहले यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ज़ीरो आएगा, वो ज़ीरो यहाँ पर जा रहा होगा, ऊपर से वन वन आ रहा है, एंड गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जो इसको भी क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो। तो अब गौर से देखें, करंट स्टेट में यहाँ पर वन 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 पड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी इनपुट के ऊपर वन ज़ीरो 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 आ रहा है। जो ही क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला टॉगल कर देगा, बाकी तमाम के तमाम अपनी ओल्ड स्टेट को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं, ओल्ड स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये वाला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये टॉगल कर देगा, तमाम के तमाम ओल्ड स्टेट को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये देखें, ये 15 था, जब हमने डाउन को 1 किया तो इसने क्या काउंट किया है, 14 के लिए। अगर हम उससे एक और एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दें, अब देखिए कैसे काम करता है। हम फिर डाउन को जल्दी से करते हैं, अब तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा, तो उसकी वजह से ये एंड गेट ज़ीरो, ये एंड गेट ज़ीरो, ये एंड गेट ज़ीरो, जिसकी वजह से ये और की इनपुट ज़ीरो, ये और की इनपुट ज़ीरो, इस और की एक इनपुट ज़ीरो,
ये और की एक इनपुट ऑटोमेटिकली ज़ीरो, तो ये डिपेंडेंट हो रहा है आपकी दूसरी इनपुट के ऊपर। यहाँ पर वन पड़ा हुआ है तो ये वन यहाँ पर आ गया, ये वन यहाँ पर आ गया, तो ये इसकी इनपुट क्या हो गई है वन। यहाँ पर देख लें ये वन आ गया, अब ये दूसरी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह अब इसको प्रोसेस करने कर लेते हैं, इसकी दूसरी इनपुट पे क्या आ रहा है, इसकी दूसरी इनपुट पे यहाँ पर अगर ज़ीरो पड़ा तो ज़ीरो का इन्वर्ट क्या होगा वन होगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है वन। तो वन वन का एंड क्या देगा आपको वन, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है वन, यहाँ पर इस टी पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया वन। अब इस सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप को देखें, इसकी करंट स्टेट क्या है ज़ीरो, तो आउटपुट पे ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो दे रहा होगा, उसके ऑपोजिट पे ये क्या दे रहा होगा वन। अगर इसे वन को मैं यहाँ पर लेके जाऊँ तो दोनों इनपुट्स वन हो गई इस एंड गेट की, तो आउटपुट क्या आ गई वन, ये वन इस टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर लगा। इसी तरह इस टी फ्लिप फ्लॉप की करंट स्टेट क्या है ज़ीरो, तो आउटपुट पे ज़ीरो पड़ा होगा, तो उसका इन्वर्ट क्या पड़ा होगा यहाँ पर, ये वन अगर हम प्रोसेस करें तो ये वन यहाँ पर आ गया। यहाँ ऊपर से भी देखें दोनों इनपुट्स वन है तो क्या आ रहा है वन, तो वन वन का रिजल्ट क्या आएगा वन, यहाँ पर भी क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखें जो ही क्लॉक पल्स आएगी तो ये चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप्स क्या करेंगे टॉगल करेंगे, तो आउटपुट क्या हो जाएगी इनिशियली वन 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 थी, ये क्या करेगी तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स टॉगल करेंगे तो ये ज़ीरो 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 पर चली जाएगी। तो जब भी आप डाउन के ऊपर वन देंगे तो ये काउंटर डाउन काउंट करना शुरू होगा, लेकिन उसमें आपके लिए शर्त है कि आपने अप को ज़ीरो रखना है। अगर आपने अप को ज़ीरो ना रखा तो आपका डाउन काउंटर काम नहीं करेगा क्योंकि डाउन की प्रायोरिटी अप से कम है। तो यहाँ पर देख लें जब आप अप को ज़ीरो रखें और डाउन को वन रखें तो ये क्या करता है ये फ्लिप, ये जो आपका काउंटर है ये डाउन काउंट करता है। अगर हम दोनों को ज़ीरो कर लें, यहाँ पर हमने दोनों को ज़ीरो कर दिया और हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके फ्लिप फ्लॉप के अंदर वन ज़ीरो सेफ है, तो अगर हमने दोनों को ज़ीरो कर दिया तो अब गौर से देखें यहाँ पे ये एंड गेट भी ज़ीरो है, ये यहाँ से भी ज़ीरो है, तो इस एंड गेट की ऑटोमेटिकली आउटपुट ज़ीरो आ गई, तो ये यहाँ पर इसको ज़ीरो करेगा, ये इसको ज़ीरो करेगा, ये इसको ज़ीरो करेगा, इस और की इनपुट भी ज़ीरो हो गई, इस और की इनपुट भी ज़ीरो हो गई, इस और की इनपुट भी ज़ीरो हो गई और इस और की इनपुट भी ज़ीरो हो गई। इसी तरह जब अब की बात करें तो ये ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है, ये इसके एंड गेट पे आ रहा है, तो दूसरी इनपुट मैटर नहीं कर रही, ये इसको ज़ीरो कर देगा, ये अगले वाले को ज़ीरो कर देगा और ये अगले वाले को ज़ीरो कर देगा। इसकी वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अब ज़ीरो ज़ीरो का रिज़ल्ट क्या आएगा ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो का रिज़ल्ट क्या आएगा ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो का रिज़ल्ट क्या आएगा ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो का रिज़ल्ट क्या आएगा ज़ीरो। अब आप जो ही क्लॉक पल्स देखेंगे तो इस स्टेज पे क्या होगा, टी फ्लिप फ्लॉप है जब भी उसकी इनपुट ज़ीरो हो तो वो क्या करता है अपनी ओल्ड स्टेट मेंटेन करता है। तो यहाँ पे तमाम के तमाम इनपुट्स के ऊपर ज़ीरो था तो ये तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप अपनी ओल्ड स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1010 था तो 1010 ही रहेगा। तो अगर आप इस 4-bit काउंटर में इनपुट पे 00 दे दें तो ये एज अ रजिस्टर एक तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा और जो भी डेटा इसके अंदर सेफ है ये अपना डेटा सेव करता रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको 4-bit अप एंड डाउन काउंटर इस तरीके से भी काम कर सकता है अगर आप अप एंड डाउन इनपुट को दो सेपरेट इनपुट्स कंसीडर कर लें। अब हम काउंटर्स की एक और टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है BCD काउंटर। अब BCD काउंटर क्या है कि जो 0 से लेकर 9 तक काउंट करे और 9 जो कि ये तमाम वैलिड BCD नंबर्स हैं जो ही 9 पर पहुंचे वापस रिसाइकिल करके 0 पर आ जाए, ये हमारा BCD काउंटर है। कुछ लोग इसको डिकेड काउंटर भी कहते हैं, मतलब 10 डिफरेंट स्टेट्स। लेकिन यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर टेबल बना लिया, 0 से स्टार्ट हुए 9 तक गए वापस रिसाइकिल करके 0 पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें जब आपको 0 से 9 तक काउंट करना हो तो आपको 9 जो है वो आपका 4-bit का नंबर है, तो आपको टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। यहाँ पर जो हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे वो हम टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से बनाने की कोशिश करेंगे। आप JK भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बनाया जा सकता है। अब देखिए हम 0 से 9 तक काउंट करें तो ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है, तो जब प्रेजेंट स्टेट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या बनती है, नेक्स्ट स्टेट आपकी बन रही है 1। तो प्रेजेंट स्टेट 0 तो नेक्स्ट स्टेट 1, जब प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या बनेगी 2, जब प्रेजेंट स्टेट 2 है नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी 3, जब प्रेजेंट स्टेट 3 है नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी 4, और जो ही हम प्रेजेंट स्टेट 9 है और ये नेक्स्ट स्टेट 0 के ऊपर जाए जो कि रिसाइकल स्टेज है हमारा, तो यहाँ पर आउटपुट भी हमने एक बनाई हुई जो y = 1 हो जाए।
सिर्फ ये बताए कि ये रिसाइकिल कर रहा है आपका सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, हमने प्रेजेंट स्टेट बनाई, नेक्स्ट स्टेट बना ली। अब हमें चार फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, तो हमने टी फ्लिप फ्लॉप्स कंसिडर कर लिए। एक को हमने टी क्यू वन के दिया, दूसरे को टी क्यू टू, टी क्यू फोर और टी क्यू एट। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज आपकी जीरो से वन की ट्रांजेक्शन कर रही हैं, तो एक्साइटेशन टेबल से हमें पता है कि जब भी हमने टी फ्लिप फ्लॉप में जीरो से वन की एक्साइटेशन करानी हो या चेंज कराना हो, जीरो से वन स्विच करना हो, तो हम इनपुट्स के ऊपर टी फ्लिप फ्लॉप की क्या लगाते हैं, वन। तो यहाँ पर हमने सारा क्या किया है, वन किया हुआ है। अब देखिए, ये यहाँ पर ये जीरो से वन की ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो हमने यहाँ पर ये वन फिल कर दिया। इसी तरह यहाँ से इसको देखें, ये वन से जीरो की ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, वन। तो ये सारे वन फिल कर दिए। अब बाकी अगर आप तमाम जगहों को देखें, या तो जीरो से जीरो वैल्यू होगी या वैल्यू वन से वन रह रही होगी। तो उस केस में, अब इस केस में देखिए, ये वन से वन रह रही है। बाकी हमें क्या करना है, बाकी जगहों पर हम क्या फिल कर देंगे, जीरो फिल कर देंगे। ये देखिए जी, जीरो फिल कर दिए। अब अगर हम इस टेबल को, हमारे पास इनपुट्स आ गई हैं, प्रेजेंट स्टेट्स आ गई हैं, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट बनानी है, तो हमने इनपुट्स दे दी टी फ्लिप फ्लॉप्स को। अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, के मैप यूज़ करेंगे। अब हमें जो के मैप यूज़ करना है, वो हमने 16 सेल्स वाला के मैप यूज़ करना है। तो ये हमने 16 सेल्स वाला के मैप यूज़ कर लिया। अब देखिए, हम टी क्यू वन को प्लॉट कर लेते हैं। तो इनिशियली तमाम के तमाम वन हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तमाम के तमाम वन है। बाकी हमारे पास क्या आएंगे, डोंट केयर। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें, तो ये हमारे पास टोटल 16 सेल्स का ग्रुप बनता है। तो हमारे पास टी क्यू वन के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली क्या लगाएंगे, वन। अब नेक्स्ट देख लें, अगर टी क्यू टू को प्लॉट करना चाहते हैं, तो अब देख लें 0, 1, तो ये देखें 0, 1, 0, 1, तो ये देखें 0, 1, 0, 1, फिर 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। अब नेक्स्ट देख लें, फिर उसके बाद क्या है, 0, 0, हमने क्या डाल दिया, 0, 0। अब अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें, तो ये हमारे पास चार का ग्रुप बनता है, और इस चार के ग्रुप की एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, अब यहाँ से देखें Q2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखें Q4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास Q8 आ जाएगा। ये हमारे पास TQ2 की एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरह TQ4 की एक्सप्रेशन, तो पहले हम इसको प्लॉट कर लें, तो आप देख लें 0, 0, 0, 1, तो 0, 0, 0, 1 हमने डाल दिया। फिर नेक्स्ट पे भी 0, 0, 0, 1 है, और आखिर में ये 2, 0। अगर ग्रुप देखें, तो ये स्ट्रेट एक कॉलम का ग्रुप बन रहा है, तो कॉलम से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, Q2.Q1। इसी तरह अगर हम Q8 को प्लॉट कर लें, तो तमाम 0 हैं, आखिर में 1, 0, 1 है। तो यहाँ पे देखें, ये पहले 4, 0, फिर 0, 0, 0, 1, 0, 1। अब अगर इसकी ग्रुपिंग बनाए, तो ये एक 4 का ग्रुप बनता है, एक ही सिंगल का 2 का ग्रुप बनता है। इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास TQ8 की एक्सप्रेशन है। और अगर हम इन तमाम एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारे पास बेसिकली BCD काउंटर बन जाएगा। हमने BCD काउंटर एक और तरीके से भी इम्प्लीमेंट किया था लैब में, अगर आपको याद हो, तो हम उसको एसिंक्रोनसली रीसेट कर रहे थे। तो एक तरीका वो है इम्प्लीमेंट करने का, और एक दूसरा तरीका BCD काउंटर्स को इम्प्लीमेंट करने का ये वाला है। तो आप किसी भी तरीके से BCD काउंटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वाई की आउटपुट है, अगर आप वाई की आउटपुट देखें, तो आप सिंपली एक मिन टर्म से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल वन आ रहा है, तो आप एक सिंगल मिन टर्म से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं।